गाइस, नया दिन नई शुरुआत एंड आई एम बैक विद माय न्यू ब्लॉग। मैं क्या बोलूँ, आई एम बैक विद माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग्स आते ही नहीं हैं। आप सब लोगों से इतने लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने आपको ब्लॉग बनाते हुए ही नहीं देखा है, इतने दिनों बाद देखा है। और कई लोग जो मेरे ब्लॉग में आ चुके हैं बोलते हैं अरे वो कब डालने वाली है। लेकिन अभी पूरा 24/7 हम लोग एरिश को ही अटेंड करते रहते हैं। देखिए, हाय कर दो। हाय 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 सी हाय। अरे इधर से हाय। यस बोलो बोलो। तो बस अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं और आज हम मैं कोटा जाने वाली हूँ। मीशू मैं ये तीनों कोटा जा रहे हैं एंड मैं आप लोगों को, इतु की फर्स्ट फ्लाइट है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि वो फ्लाइट में कैसा बिहेव करता है, क्या करता है। तो मैंने सोचा इसीलिए ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लेट यू नो। बाय। चलो लेट्स गो। अच्छा चलो चलो चलो। मौसी पंखा बंद कर दो। चाबी मैंने मेरे पास है, लॉक कर लो। आर यू एक्साइटेड? ऐसे सो मच पता भी नहीं है उसको। तुम क्या कर रहे हैं? वो सोच रहा होगा नीचे घुमा ले जा रहे हैं। इसीलिए एक्साइटेड है, जैसे कल पार्टी में उसको पता ही नहीं चला क्या हो गया। इससे ज्यादा सामान तो मैं अकेले जाती थी तब होता था, लेकिन नीतू के साथ देखिए हमने कितना कम सामान रखा है, एकदम कम। देखो पीछे देख रहा है, मम्मा भी आ रही थी बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि उसका कम्फर्ट ज्यादा हो। तो ये जो बड़ा वाला है ना, इसमें सिर्फ इतू का सामान रखा है। मेरी सिर्फ दो जोड़ी ड्रेस है क्योंकि मम्मा ने बोला ये ऑलरेडी तेरे कपड़े, तो मैंने सिर्फ दो जोड़े कपड़े डाले हैं जो मुझे एकदम कम्फर्ट वाले लगते हैं। बस बाकी कुछ भी मैंने नहीं रखा। इसमें मीशो का कुछ लैपटॉप एंड ऑल रहते हैं इसलिए उनको ये कैरी करना पड़ा, अदरवाइज वो सोच रहे थे सिर्फ पीठ वाला ले लेंगे। और ये तू का डायपर बैग है, मैंने पीछे ले रखा है। तो मौसी मुझे कह रही थी स्कूल जा रहे हो क्या दीदी, स्कूल जैसे टांगा हुआ है। और वो रहा है वो रही कैब। खिड़की खोल दो मीशो। ओटीपी ले लो, वो 7067। ए तू बाय बोल दो मौसी को। बाय करो बाय। चलो 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 भाई एक्साइटमेंट देखिए जाने के लिए। हाय से हाय। ये बॉय इसको सब पता है, फोन ऑन है। अब मैं कुछ अपनी हरकत में दिखाऊंगा हाय हेलो। और ये तो सो भी गया है एयरपोर्ट आने से पहले ही। वे भी उठ जाते तो एयरपोर्ट देख लेते हैं। अरे बाप रे आज कितनी भीड़ देखी है, पता नहीं क्या हुआ है। लाइन दिख रही है आपको यहाँ तक? और मैं तो को लेती हूँ तुम सामान निकाल। आज बहुत ज्यादा लाइन है देखिए, इसके बीच में हम। और ये तो गाड़ियाँ देख रहा है, इतनी सारी दिख रही है उसको। तो अभी हम लोग का चेक इन एंड ऑल सब हो गया एंड यहाँ पे आए तो अभी पता चला फ़्लाइट और ज़्यादा डिले हो गई। मतलब पहले 2:55 की थी एंड जब हम लोग घर पे थे तभी हमको पता चल गया था कि 4:45 थी, मतलब 2 घंटे डिले हो चुकी थी। एंड यहाँ आए तो पता चला 5:55, मतलब 1 घंटा और डिले हो गई है। तो एकदम इरिटेट हो रहा है क्योंकि एक तो इतू के साथ हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे, तो हमको पता नहीं है कि वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत कॉशियस थे एंड ऊपर से डिले होता जा रहा है। तो अभी नॉट श्योर क्या होगा क्योंकि हम लोगों ने ट्रेन का प्लान इसीलिए कैंसिल किया कि इतना ज़्यादा इरिटेट ना हो और लंबा ट्रैवल में एक ही एक जगह रह के बच्चे थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। तो वी वांट कि चलो फ्लाइट से जाते हैं क्योंकि जयपुर से भी कोटा जाने में हम लोग को 4-5 घंटे लगते हैं। देखते हैं अभी जो होगा वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो हम लोग फाइनली बस में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गई फ्लाइट, बहुत ज़्यादा इतनी तेज बारिश है। देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी बारिश में टेक ऑफ कैसे करेगी फ्लाइट। एकदम एक्साइटेड होकर मेरी गोदी में बैठ गया है
यार इतनी तेज बारिश थी, मैंने अपना दुपट्टे में इसको उड़ाया और लेट आ गई। बस अभी हम लोग बैठते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। और देखो कितना लेट हो गए, मतलब पहले वाले दो और अभी एक, 3 घंटे। तो बस अभी हम देखते हैं फ्लाइट में लेके जाते हैं एंड देन देखते हैं आगे। देखो उधर बैठे हैं शाम, क्योंकि इससे दिमाग से निकलने में बाधा आ सकती है बच्चों के लिए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर, देखिए। एंड सफ़र जो मैं बता रही हूँ बहुत ही हॉरिबल था, बिकॉज ही क्राइड लाइक एनीथिंग, इतना ज़्यादा रोया ये, हम सब लोग डर गए थे, मतलब मैं और मीशू लिटरली। और फ्लाइट से इधर से उधर, इधर से उधर इसको लेके जा रहे थे, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा था। आई थिंक बिकॉज ऑफ ईयर में जो प्रेशर होता है उसकी वजह से। पहले ये ठीक था जब, हाँ बेबी, टेक ऑफ होना स्टार्ट हुआ तो ही वॉज ओके। इनफैक्ट ये फीड लेके सो भी गया था, तो वी वर लाइक अच्छा ठीक है चलो। अचानक से उठ गया और फिर काफ़ी देर तक तो खेलता, और अचानक से जो रोने लगा, मतलब आई थिंक 30-45 मिनट्स तक नॉन स्टॉप ये रोया है बिना सांस लिए। हम लोग इतना पैनिक हो रहे थे दोनों, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते थे। एंड फाइनली फिर जाके हमने इसको बहुत कंट्रोल करके इधर से उधर घुमा के फिर लास्ट में इसने फीड लिया तो थोड़ा सा अच्छा लगा, बट स्टिल लैंडिंग के टाइम फिर से रोने लगा बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा सोचा अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम फ्लाइट से कैसे किया जाए। और अभी बस यहाँ बैठे हैं, मीशू कलेक्ट करे लगेज और अभी बस हम लोग निकलेंगे। कोटा नहीं निकलेंगे आज, जयपुर में स्टे करेंगे, बिकॉज यू नो बहुत लेट हो गए, 2 बजे की फ़्लाइट थी। इस टाइम तक आई थिंक हम लोग कोटा पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन यहीं पर हैं तो आज हम लोग यहीं स्टे कर रहे हैं। सुबह ने हम लोग के लिए बुकिंग कर दी है, तो हम लोग यहाँ स्टे करेंगे। एंड मैं बाकी दिखाती हूँ आपको कहाँ जाते हैं, कैसा रहता है। बस हमने सामान कलेक्ट किया है और ये देखिए इतू जी बैठे हैं। इतू हे, सोच रहा होगा आज क्या कर रहे हैं लोग, कभी अटैच में बैठा रहे हैं, कभी इसमें बैठा रहे हैं। चलो चलो, अच्छा ये आ गया ना, ये देखिए इतनी बड़ी रेल। हाँ ले रही हूँ गोदी में। आ गए हैं कैब में, देखिए अभी बड़ा मजा कर रहा है। तो जो उधर हुआ था अपना, कहाँ पे, फ्लाइट में बहुत परेशान हुआ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि आज मैंने बहुत मैच्योरिटी से उसको संभाला है। बिकॉज जब छोटा था तो बहुत रोता था, एंड ये जब रोता था तो मैं रोने लग जाती थी, मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे, मुझे नहीं समझ में आता था मैं इसको कैसे टैकल करूँ। बट आज मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मुझे मैंने पैनिक नहीं हुई, मैं बहुत आराम से, ऑफकोर्स थोड़ा टेंशन तो हो ही जाता है कि क्यों इतना ज़्यादा रो रहा है, लेकिन मुझे पता था कि व्हाट स्टेप आई शुड टेक, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। मतलब अब मुझे अच्छा फील हो रहा है कि हाँ ठीक है, अभी मैच्योरिटी से बिहेव आप करने लग जाते हो तो आपको खुद को फील होने लगता है। एंड अभी बस जो हमने कैब बुक की थी वो भैया हमको पिक करने आए थे, मतलब सोमो भैया ने किया था तो वो हमको पिक करने आए थे, लेकिन ना हम लोग बस अभी होटल जा रहे हैं, आज यहीं रुकेंगे, मिशू यहाँ पे आएंगे खाने, क्या कहते हो? तो फिर अभी हम लोग बस होटल में जाएंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे और फिर थोड़ा सा शायद बाहर निकलते हैं, देखते हैं इतू के मूड पे डिपेंड करता है कैसा ये हमें अलाउ करते हैं साहब। और कल बुरा द फोन, कल वापस से आएंगे। और ये होटल से मुझे बहुत अलग सी याद है, क्योंकि शादी के जस्ट नेक्स्ट डे हम लोग की यहाँ से फ्लाइट थी, तो हम लोग फ़ोन में रुके थे मैं और मीशू। और अब जब इतू हुआ है तो मतलब 22 को मेरी शादी थी, 23 को है ना मीश, हाँ 23 को हम लोग इस होटल में रुके थे। तो बस अभी वापस से हम लोग इसमें रुकने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे जाने के लिए और घर पे भी। यस इतू एक्साइटेड? ये हमने जस्ट एंटर किया है, मीशू यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं ऊपर जाने और आराम कर रहे हैं ना इतू, यस कर दू। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग उठ गए, हमने ब्रश कर लिया, फ्रेश होके आ गए हैं, है ना बिटू? सो यश, और बस इसको सुबह सुबह थोड़ा सा अच्छा मूड रहता है इनका, तो बस इसको बैठे हैं हमारे साथ और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने।
और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग रेडी होंगे और फिर अपनी मंजिल को निकलेंगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ। रात में इतु को एरिश को सुलाया, उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, शूट नहीं कर पाई। कल मेरा फ़ोन खो गया था और हम लोगों ने मैं रूम से बाहर ही नहीं निकली, ना ही रूम में कोई आया और मेरा फ़ोन खो गया। और इतु सोया था तो हम लोग इधर उधर ढूंढ भी नहीं पा रहे थे अच्छे से, क्योंकि अगर ये जग जाता तो मुश्किल हो जाता। अब क्या करें। मीशो कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर वो कॉल कर रहे, तो मैंने रिंगिंग पे हटा दिया था, साइलेंट पे डाला हुआ था तो वो भी नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक आइडिया आया, मैंने कहा एक काम करते हैं, रूम की सारी लाइट ऑफ कर दी, एकदम अंधेरा। मैंने कहा अब फ़ोन करो तो लाइट चमकेगी तो दिखेगा। तो वो कैसे, जो सोफ़ा होता है ना उसमें कुशन, मतलब जहाँ पे हम बैठते हैं ना, अपना हैंड रेस्ट होता है और हम जहाँ बैठते हैं उन दोनों के बीच में घुसा हुआ था, हल्का सा लाइट दिखा। तो चलो बस मीशो भी फ्रेश और ब्रश करके आ गए हैं तो हम चलते हैं, है ना चलेंगे ना ब्रेकफास्ट करने। आप भी करेंगे क्या ब्रेकफास्ट दादी? चले ओके चलो ओके चलो मैं आपसे नीचे जाके मिलती हूँ। मैं मिशु को पूछ रही हूँ चना घूगनी क्या होता है। और हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। से हाय बेबी हाय। ओके 3-1-1 नहीं 1-1-1 1-1-1 बेबी चल दे तो यस। कहाँ पे बैठे? मैं भी बैठा तुम लेके आ जाओ, तुम मैं इसको बैठा इधर लगवा लेते तो हम ऐसे बैठ जाएंगे या इधर बैठे और हम अपना ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साउथ इंडियन। यहाँ पे इडली है, सांबर, कोकोनट चटनी। किधर है कोकोनट चटनी? आ रही है। ओके यहाँ पे मैंने उत्पम्स हैं, बड़ा है, चटनी है, पूरी आई थिंक बीटरूट पूरी दिख रही है मुझे, यस, आलू चोखा, पाव भाजी, एंड बिकॉज वी आर इन राजस्थान तो यहाँ पे कड़ी समोसा है, और ये है बाजरे का उपमा और खिचड़ी। वाओ अमेजिंग। फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, और यहाँ पे छाछ एंड ऑल ड्रिंक्स हैं सारे, ढोकला जूसेस हैं, ये है ओट्स है, हाँ, और ब्रेड बीन्स है, सॉल्टेड वेजिटेबल्स है, पटेटोज है, यहाँ पे नॉनवेज सेक्शन है विच इज़ नॉट ऑफ माई यूज, एंड यहाँ पे मीशो की फेवरेट चीज़ है मैंगो रबड़ी। और आपको फेवरेट सेक्शन है दिखाया जहाँ पे ऑल द मफिन्स हैं एंड कफ केक्स है, क्रॉसिंग्स हैं, टी टाइम केक्स हैं, मार्बल केक्स हैं, ब्रेड है, जैम है, टोस्टर है। और यहाँ देखिए ओके तो हम लोग बस चेकआउट कर रहे हैं। मैंने सोचा आपको रूम दिखा दूँ बिकॉज रूम नहीं दिखाया था अभी तक, एंड यहाँ से बहुत अमेजिंग सा व्यू है, देखिए मेन रोड दिख रहा है शानदार। तो बस अभी हम लोगों को इस पे जाना है, एंड लिटिल वन स्लीपिंग, उसको सुला दिया, नहाने के बाद सो जाता है, तो बस अब नीचे जा रहे हैं, सामान नीचे चला गया है, बस हमें जाना है। बस जयपुर से निकले हैं अभी, इधर बेबी स्लीपिंग मीशो के पास, और मैं आपको क्लब दिखाती हूँ। अभी
अभी हम लोग आ गए हैं जयपुर में कहना वाला जो बहुत फेमस है मिठाई लेने। कब तक चलेगी? अभी गाड़ी से जाना है। कोटा लेके जाना है? हाँ, गाड़ी में तो इसी होगा। हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए कितनी अमेजिंग स्वीट से दिखाती हूँ। दूध रसगुल्ला अलग दिख रहा है ना? हाँ। टेस्ट करके देख लो भैया। भैया दूध रसगुल्ला टेस्ट कराएंगे क्या? एक पीस तो फिर वो रहना तो नरम। हाँ हाँ, दे दो दे दो। हाँ वही वही, वो आपके जी लो। इट्स क्या अमेजिंग है, मैं मीशो को वही बोल रही हूँ। ये होती है स्वीट शॉप, ऑल दो पुणे में काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, बट इसका जवाब नहीं है। देखिए आप ये हमारे राजस्थान की ब्यूटी है। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए एक से एक चीज़ें, एक से एक। ये कुछ अलग लगाया हमें दूध रसगुल्ला, बिकॉज हमने चाशनी में रसगुल्ला देखा है, तो वी आर ट्राइंग। और यहाँ पे सारे लिक्विड वाले हैं, जैसे कि मालपुआ, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह। अरे 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 अरे, कहाँ यहाँ आके ना, थैंक्स टू मैं लेके आई तुमको। हाँ एक टेस्ट करा दो। क्या है तुम्हें खाना है? ले लो ये। क्या खाओगे तो लेना। ले लेता हूँ ना, टेस्ट करूँगा। ठीक है, इट्टू को क्या लेना है? व्हाट इट्टू वांट, व्हाट इट्टू वांट। देने तो दो उनको। बेसन और ऑयल भी बेचते हैं आई थिंक मैं तो। हेलो गाइस, तो मैं इट्टू को दिखा रही हूँ केक। इनको केक बोलते बेटू, जो तुम बोलोगे मुझे। तो हमने है ना स्वीट्स खरीद लिए। मीशो को हर बार मम्मा मना करती है मिठाई मत लेके आया, कोई नहीं खाता, फिर भी मीशो ने मिठाई खरीद ली। नहीं माने और मुझसे लड़ाई करने लग गए शॉप पर ही। देखो आग दिखा रहे, वापस करो वापस करो। ये ना तुम, उन्होंने कहा एक्चुअली तू मीशो की गोदी में था तो लेना मुझे था, तो मैं कुछ भी नहीं ले रही थी, कुछ भी नहीं ले रही थी। मीशो ने मुझे इतू को पकड़ा दिया, फिर वो उन्होंने मिठाई ले ली। और लिटरली घर में कोई मिठाई नहीं खाता, बिकॉज सुमू भैया को मीठा पसंद नहीं है, भाभी बिल्कुल मीठा नहीं खाती, पापा को तो पापा खाते थे थोड़ा बहुत, पापा को शुगर हो गई तो पापा भी बिल्कुल नहीं खाते। मम्मा थोड़ा बहुत खाती है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि शी इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स की भाई खानी ही है, वैसा वाला बिल्कुल भी। यहाँ टेके रखी है तो खा लो ऐसा वाला है। और मीशो को डाइट पर भी है, मतलब डाइट पर मतलब वो सिर्फ उन्होंने थोड़ा शुगर और फ्राइड भी अवॉइड कर रहे हैं, तो वो भी नहीं खाने। तो मैं बोल रही तुमने ली क्यों, ली क्यों? और इतना सब कुछ ले रहे थे वो, तो मैंने मना कर दिया कि बस और मिठाइयाँ नहीं, खराब हो जाएगी खराब हो जाएगी। तो उन्होंने दो दो मिठाई ले लिया फालतू में। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए मैं भी नहीं खाऊंगी मिठाई। इधर हमारे देखिए साहब बैठे, साहब ओ साहिब 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 आए आए कर दो आए कर दो। हम लोग रुके रास्ते में, इतना अमेजिंग खाना दिख रहा है। देखिए पनीर, दो प्याज़ा और तवा रोटी लिए, एकदम फूली हुई आई है गर्मा गर्म, और छाछ साथ में। मिर्ची को कोल्ड है, मैंने कहा तुम छाछ मत पियो मैं पीती हूँ। बहुत ही अमेजिंग खाना दिख रहा है, कैसा लगा मिर्च टेस्ट में? अच्छा है। और ये हमारे साहब बैठे हैं इधर, देख रहे हैं क्या खा रहे हैं दोनों। कौन है बेन तू? हटा रही है। आ जाओ ऐसे बुलाओ, दीदी आ जाओ। नहीं आ रही, उठू इधर तो आओ। डर रही हो तुझे लगता है इसे? इतू वो डर रही है तुमसे।
चिल्लाओ मत चलो ये तो प्यार से बुलाओ दीदी को बुलाओ प्यार से दीदी आ जाओ ऐसे बोलो चलो बैठो दोनों बैठो बैठे तो ये था प्यारा सा ब्लॉग जब हम लोग पुणे से कोटा आए थे। फ्लाइट का सफ़र बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं था बिकॉज इतु बहुत ज़्यादा रोया, बट यू नो दैट्स अ लर्निंग। अभी हम जब तक समझेगा नहीं उसको फ्लाइट में नहीं लेके जाएंगे कहीं भी। एंड अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।